प्रियंका ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, बोली अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए, फिर हटने नहीं दूंगी। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। ये न्यूज़ चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव की कमान संभालने के लिए रायबरेली पहुंच गई हैं। उन्होंने भू एमयू गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की हालत बहुत खराब है, मैं यहां आ गई हूं, चुनाव में 329 घंटे बाकी हैं, लगातार काम करना है, हर हाल में जीत दर्ज करनी है, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी, अभी जिसे डर लगता है वो पीछे हट जाए, फिर नहीं हटने दूंगी। उन्होंने कहा कि रायबरेली वो किला है जिसे भाजपा ढहा नहीं पाई है, यहां पर हमारी जीत का संदेश दूर तक जाएगा, तैयार हो जाइए, चुनाव तक लगातार काम करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोगों जज्बात उभार कर वोट की राजनीति कर रही है, युवा रोजगार की नौकरी की मांग करते हैं, भाजपा पाकिस्तान की बात कर रही है, जनता महंगाई से परेशान है लेकिन उस पर कुछ नहीं करते हैं। कहा कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिस्ट सामने आई तो पता चल गया भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धन देने वालों के नाम गुप्त रखती है। मोदी यदि विश्व के बड़े नेता हैं तो देश में रोजगार दिलाए। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर एक के बाद एक तीखे प्रहार किए और कहा कि मोदी यदि विश्व के सबसे बड़े नेता हैं तो देश में रोजगार क्यों नहीं लाते, सत्ता पाने के लिए अरबपतियों से सांठगांठ करते हैं और कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं लेकिन उनकी ही पार्टी में भाई बहन चाचा चाचियां इकट्ठे हो रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है। प्रियंका ने कहा कि चुनाव के समय दो दो सीएम को जेल में डाल देते हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता में आने के लिए। इन सभी की बड़े अरबपतियों से सांठगांठ है, 50,000 रुपए की खातिर किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि वे अपना कर्ज चुका नहीं पा रहा, अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, उनका पैसा माफ नहीं कर रहे हैं लेकिन अरबपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं, ये सच्चाई आपको नहीं दिखाएंगे। प्रियंका ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपको दिख रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, G20 हो रहा है, विदेशी देश की बड़ाई कर रहे हैं। आपको बताया जाता है कि मोदी विश्व के बड़े नेता बन गए हैं, वे पूरी दुनिया में युद्ध रोक सकते हैं, यदि वे इतने बड़े नेता हैं और 10 साल उनकी सरकार देश में है तो रोजगार दिलाए। आज देश की जनता का अनादर हो रहा है, नेता समझ रहे हैं कि आज जनता को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, हम सबको भाजपा का डटकर मुकाबला करना है, जनता के बीच जाएं, भाजपा की कुरीतियों को बताएं, इस चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो भाजपा ने किया है। प्रियंका ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार की बात करती है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो इन्होंने ही किया है, गुजरात में पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा ले लिया, पुल ढह गया और सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसको धमकाया, जिनके घरों पर छापा डलवाया, उनसे चंदा लिया, इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई। वे आपकी भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, आप जन भावना से सेवा करते हो, दुनिया में उन्होंने अपनी पार्टी को सबसे अमीर बना दिया और वे कहते हैं कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। भगत जी ने कहा था कि दीदी यहाँ के लोग डरे हुए हैं। प्रियंका गांधी ने बैठक के दौरान कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में वे रायबरेली का काम देख रही थी, पार्टी की तरफ से एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए। कार्यक्रम के बाद बघेल जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि दीदी यहाँ के लोग डरे हुए हैं, उन पर सरकार का दबाव रहता होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।